नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल अवेलेबल 08 पे। भाइयों ये रहने वाली है अपने सामने प्योर वेरिएंट टाटा पंच का। देखो जैसा नाम यार प्योर लगा दिया, वेरिएंट्स तो देख लो आप, प्योर का मतलब भाई बिल्कुल प्योर है। टाटा का जो लोहा है ना वो प्योर क्वालिटी वाला भर रखा है। चलो यार ये तो मजाक की बात है, लेकिन इनके वेरिएंट्स के नाम ना ऐसे ही हैं कुछ। प्योर वेरिएंट में आपको बता देता हूँ ना, बेस वेरिएंट रहने वाला है और ना इसके अंदर एक रिदम पैक भी आता है, बट ये विदाउट रिदम पैक के साथ रहने वाली है। सबसे प्यारी जो चीज़ लगी ना मुझे इस गाड़ी की, और वो आप लोगों को भी डेफिनेटली लगेगी, वो है इसका प्राइस। अब कितने की है? 6 लाख रुपए। एक शोरूम है, ऑन रोड की बात करोगे, मैं हूँ इस समय टाटा मोटर्स श्रीवासु मेरठ में, जहाँ ये आपको पड़ जाएगी 675 की। मतलब RTO टैक्स इंक्लूड हो जाएगा, इंश्योरेंस इंक्लूड हो जाएगा, बाकी वारंटी वगैरह लेना चाहेंगे तो वो प्लस प्लस होते चले जाएंगे, ये वाला सीन रहेगा। अब 675 में हमें टाटा ने क्या ऑफ़र किया है? देखो सबसे पहले तो भाई अपना बिल्कुल प्योर लोहा ऑफ़र कर दिया, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी। 2021 में इसका टेस्ट हुआ था जिसमें इसने स्कोर करे थे एडल्ट सेफ्टी में 5 स्टार, जो भाई एक नंबर भाई, मतलब गजब की चीज़ है। और चाइल्ड सेफ्टी के अंदर 4 स्टार। भाई चाइल्ड सेफ्टी में भी 4 स्टार, दैट मीन्स आप सोच रहे हो कि कितनी सेफ होगी ये गाड़ी। और मजबूती के मामले में ना कहीं से भी कूट काट के देख लो भाई, ऐसे ना दबने की, और बम्पर भी देख लोगे प्लास्टिक की जो क्वालिटी है, अरे भाई ये तो दब गई यार। अरे नहीं, बम्पर तो हल्का ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा यार कॉमेडी हो गई। तो चलो अब बात करते हैं इसके फ्रंट की। सबसे प्यारा क्या लगा? इसकी फ्रंट वाली ग्लोसी ब्लैक कलर की ग्रिल, और यहाँ पे आपको हॉर्न की प्लेसमेंट मिल रही है। इस हुड के अंदर BS6 फेज 2 इंजन है, और वैसे भी 1 अप्रैल चला गया, 1 अप्रैल के बाद सभी गाड़ियों में BS6 फेज 2 कंपलसरी हो गया था, जो एमिशंस नॉर्म्स हैं वो आपके कंपलसरी हो गए। नीचे रेडिएटर ग्रिल, ट्राई एरो डिज़ाइन, और यहाँ पे हेलोजन का सेटअप। नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलते यार, बेस वेरिएंट कहाँ ही मिलेंगे, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप अगर LED लगवा लोगे तो क्या गजब लुक दे गया ये। वाइपर्स ऐसे हो जाते हैं, हाइट इसकी काफ़ी अच्छी है। आते हैं साइड प्रोफाइल पे, इसमें सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी आपको पूरी कवर करने वाली क्लैडिंग्स, और जो गेट पे है ना, गेट पे तो बहुत ही अच्छी क्लैडिंग्स मिल जाती हैं आपको। ब्लैक कलर के ORVM, इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है, ऐसे बेस है ना तो फेंडर वाला सीन नहीं दे रखा, पूरे यहाँ पे आपके सेट कर दिए। और 185/70R15 स्टील व्हील मिल जाते हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, ABS ABD और ब्रेक स्वे कंट्रोल के साथ। ये रहने वाला है इसका पूरा साइड प्रोफाइल। भाई 3.8 मीटर से ये ऊपर की गाड़ी रहने वाली है, प्रिसाइजली बताऊं तो 3827 mm इसकी लेंथ हो जाती है। व्हील बेस की बात करोगे तो 2445 mm व्हील बेस मिल जाता है। अब देखो यार जैसे इसके कैरेक्टर्स हैं, इसको काइंड ऑफ माइक्रो SUV का दर्जा दिया गया है। तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे, क्योंकि कैसी भी कंडीशन में जब ले जाओगे ना तो ग्राउंड क्लियरेंस मायने रखती है। तो इसमें आपको मिल जाती है 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो सही हो जाती है, लिटरली सही हो जाती है। हैंडल इसके आपको ब्लैकआउट मिलते हैं, बेस वेरिएंट है, बी प्लर ब्लैकआउट मिल जाते हैं, सी प्लर ब्लैकआउट मिल जाता है, और पीछे वाला तो हैंडल आप लोगों को पता ही है। रेगुलर एंटीना मिलता है, पीछे होता तो अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पे आगे की तरफ दे रखा है, वो एंटीना सा खड़ा हो जाता है, वो वाली चीज़। हेलोजन के अंदर टेल लैंप्स मिल जाती हैं, नीचे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको एयर डैम्स भी दे रखे हैं, और रियर का लुक इसका अच्छा लग रहा है। सबसे प्यारी बात ये ना, गाड़ी देखने में बल्कि लग रही है। नीचे आपको रिवर्स लैंप मिल जाता है, 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और ट्राई एरो डिज़ाइन आपको सब जगह देखने के लिए मिलेगा। ट्राई एरो के पीछे एक रीज़न भी है, ये है टाटा, कैसा लग रहा है, ट्राई एरो, तो ये भी कहीं ना यही डिनोट कर रहा है कि ये टाटा है। तो चलो डिपार्चर एंगल और दिखाता हूँ आपको, ये कुछ रहेगा इसका बढ़िया डिपार्चर एंगल। मोटी मोटी बात हो गई, बूट स्पेस बहुत अच्छा मिलता है। उससे पहले देखो ना वाइपर मिलते, ना डिफोगर्स मिलते, लेकिन ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, बेस वेरिएंट में वैसे भी कौन ही देता है। अब देखो आप, ये रहेगा इसका बूट स्पेस, 366 लीटर का बूट स्पेस है। और अच्छी जो चीज़ है ना, यहाँ पे आपको पार्सल शेल्फ मिल जाती है। सीट्स जो हैं वो बेंच फोल्डिंग हैं, फिक्स्ड इसमें आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है, अंदर पूरी कवरिंग मिलती है, और जो टायर है आपका वो सेम आपको 15 इंच का मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की कॉस्ट कटिंग नहीं कर रखी, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे आप देखोगे
तो इधर भी आपको भाई इस तरीके से कवरिंग मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ आपको ये देखो लाइट्स दे रखी हैं नंबर प्लेट की, और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, पंच की अच्छी अच्छी बैजिंग और वही टाटा वाटा की बैजिंग, वो सब हो गया, वोकल फॉर लोकल का स्टीकर, और यहाँ पे आपको ये गेंडा मिल जाता है, राइनोसोरस भी बोल सकते हो इसको आप, भाई अपनी देसी भाषा में मैंने गेंडा बोल दिया। अब आते हैं रियर में, तो देखो ट्रिम है इसकी बिल्कुल प्लेन, लेकिन डुअल टोन है, पूरा प्लास्टिक है। अब अच्छा क्या है ये देखो आप, यहाँ पे ना ग्लोसी ब्लैक हैंडल है जो अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे ना ये पुराना वाला स्टाइल वाला हैंडल है घुमाने के लिए। तो इस प्राइस में रियर विंडो आपको मैं इलेक्ट्रिक नहीं मिलती हैं, लेकिन चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाता है जो एक अच्छी चीज़ हो जाती है, पॉकेट ठीक है, और यहाँ पे ना आपको ट्विटर और नीचे स्पीकर की ग्रिल दे रखी है, लेकिन मिलने वाला नहीं है। इधर आप आओगे ये हो जाती हैं सीट्स फैब्रिक के अंदर, ब्लैक कलर की ये रहने वाली हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स मिल जाते हैं ये देखो आप, ओके। और जो सीट बेल्ट्स हैं वो डिट्रैक्ट होती हैं, ऐसा वाली नहीं है कि मतलब बिल्कुल प्लेन टाइप्स वाली नहीं रहने वाली। ठीक है, स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस यहाँ पे डिसेंट है, मतलब आगे वाला अगर पूरी सीट पीछे कर लेगा तो मे बी शायद हो इशू, लेकिन मतलब एडजस्ट करके बैठोगे तो बहुत प्यार से बैठ जाओगे इस सेगमेंट में। यहाँ पे अगर आप इसकी सीट्स की कुशनिंग की बात करोगे ना, तो इसमें सबसे अच्छी सीट्स हैं, टाटा की सीट्स का जो कुशनिंग है जो गद्देदार है ना वो बहुत अच्छा होता है। सेंटर में आप देख लो एज सच ना आर्म रेस्ट है, लेकिन यहाँ अपना फ़ोन रख सकते हो, आप सफ़र में जाने में आपका ध्यान रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ, ये रहेगा, चलो ये रहेगा इसका आगे का ट्रिम। यहाँ पे ना आपको दोनों स्विच मिल जाते हैं, फ्रंट की आपकी पावर विंडो है, नीचे आपको प्लेसमेंट मिल जाती है, सेम एज आपको यहाँ पे भी ना स्पीकर और ट्विटर की जगह दे रखी है, लेकिन वही है कि बेस है तो इसमें लगा हुआ नहीं आता। अब देखो अच्छा क्या लगा मुझे वो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप चेकआउट करो, इको मोड मिल जाता है और आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, इधर कुछ पॉकेट दे रखी है, यहाँ से बोनट एक्सेस कर सकते हो, और देखो डैट पैडल भी दे रखा है, एबीसी पैडल्स ये हो गए आपके, ओके। और यहाँ पे ग्लोसी टच दे रखा है, ये डिज़ाइन टेक्सचर दे रखा है, मतलब ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि कॉस्ट कटिंग कुछ कर रखी है। यहाँ आप देखो ये जो कीज़ है ना, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल कीज़ मिल रही हैं आपको, सीट्स हाइट एडजस्ट नहीं होती हैं, और जो स्टीयरिंग व्हील है ना इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ रहेगा इसका स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे कोई भी कंट्रोल्स नहीं है, लेकिन ये देखो इस तरीके से पी पी वाली आवाज़ करेगा। अब देखो भाई मुझे एक चीज़ और बहुत प्यारी लगी इसकी, ये देखो आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिख रहा होगा, ठीक है गाड़ी रिवर्स में है, पहले मैं इसको न्यूट्रल कर लेता हूँ, हैंड ब्रेक ऑलरेडी लगा हुआ है, एनालॉग मीटर है लेकिन लुक अच्छा दे रहा है, सेंटर में आपको अच्छी बड़ी एम आई डी मिल जाती है बेस वेरिएंट में, नहीं तो जनरली क्या होता है आपने पहले देखा होगा ना वो सिंपल एक मीटर ही आता था स्पीडोमीटर, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है इसमें, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी हो जाती है, और एडजस्ट करने के लिए ये मोड वगैरह ना यहाँ पे दे रखे हैं आपके, एवरेज कितना दे रही है और ट्रिप वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगी। जो मुझे ये क्वालिटी लगी ना प्लास्टिक की वो मुझे अच्छी लगी, सेंटर में आपको ये मिरर मिल जाता है, डे नाइट IRVM होता ना तो थोड़ा अच्छा होता, बट ठीक है नहीं दे रखा, यहाँ पे अच्छा है टिकट होल्डर आपको मिल जाता है। इधर चेकआउट करोगे तो यहाँ पे वाइजर है सिंपल, और ये आपकी लाइट हो जाती है, बाकी सेंटर में बिल्कुल प्लेन है कोई अगर बिल्कुल प्लेन ही रखना चाहता है तो रख सकता है, लेकिन गानों के बिना कहाँ ही मन लगता है, तो भाई कोई अपनी लोकल शॉप पे जाके यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम लगवा सकता है, ये वाला जो पार्ट है ना ये रिमूव होके यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम लग जाएगा। ये आपका हैज़ार्ड स्विच हो गया, यहाँ पे देखो ग्लोसी, और ये आपका डुअल टोन के अंदर, और यहाँ पे भी आपको ट्रायर और डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा। धूप हो रही है मे भी शायद ना दिख रहा हो, एक चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी, ठीक है बेस वेरियंट में इस तरह की जो यूनिट है ना वो देखने को जनरली नहीं मिलती है, ये देखो कितनी प्रीमियम लग रही है आपको, काइंड ऑफ ऐसा ही लुक दे रही है कि जैसे कि ना ये आपकी ऑटोमेटिक यूनिट रहने वाली है। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे ना कि ये दे रखा है आपको, कोई अगर टू डिन वाला स्टीरियो लगवाना चाहता है ना तो यहाँ पे सेट करवा सकता है, इधर आपको स्पेस मिलता है, सिंपल आपको गियर नॉब मिलता है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर वेरियंट है,
लेदर रैप्ड है, ये अच्छी चीज़ हो जाती है। और देखो ग्लोसी ब्लैक आपको यहाँ भी मिलता है। ग्लोसी ब्लैक का जो काम कर रखा है ना, पर्सनली एक थोड़ा सा लुक काफ़ी एनहेंस कर देता है, मुझे पर्सनली पसंद है। यहाँ पे आप चेकआउट करो ग्लव बॉक्स, टाटा की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इनके ग्लव बॉक्स इतने डीप होते हैं। और यहाँ भी आप चेकआउट करोगे तो ये देखो पूरा टैबलेट होल्डर, नहीं तो आपने जनरली और कार्स में देखा होगा पीछे का ना सारा पार्ट नेकेड दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे जब ऊपर जाते हैं कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन वो भी आफ्टर मार्केट लग जाता है, सब हो जाते हैं यार काम। ओके, अब ये हो गया इसका पूरा अंदर का सीन। अब सबसे मेन है इसका इंजन, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से खोलता हूँ, क्योंकि इंजन ना पता होना चाहिए हम लोगों की क्या है। मतलब आते हैं 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, BS6 फेस 2 वाला इंजन रहने वाला है। देखो भाई चमक रहा है, 88 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 115 Nm का टॉर्क। ऊपर इसमें इंसुलेशन भी दे रखी है और नीचे एस सच कोई इंजन प्रोटेक्शन कवर नहीं है। पीछे चेकआउट करोगे तो यहाँ पे लाइनर लगा रखा है, काइंड ऑफ थोड़ा सा डैम्पनिंग का काम करेगा। NVH लेवल इसके अंदर काफ़ी अच्छे हैं कंपैरेटिवली जो प्रीवियसली आया करती थी। मोटा मोटा प्राइजिंग्स मैंने आपको बता दी हैं, इसका एक रिव्यू दे दिया है। इसकी सेफ्टी रेटिंग्स तो मैंने आप लोगों को बता ही दी थी कि क्या रहने वाली हैं, लेकिन सेफ्टी फीचर्स क्या मिलते हैं वो वैसे मैंने आपको बता दिए थे, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। डुअल एयरबैग, ABS विद EBD, ब्रेक्स वे कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये सब आपको मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट के हिसाब से 675,000 में काफ़ी अच्छी गाड़ी है। टाटा की एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि आपको 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी देती है, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। 675,000 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो ये गाड़ी बहुत सही है, ठीक है। और इसको लेके आप 20-25,000 रुपये ऊपर लगा के इसको मतलब अपने हिसाब से टेस्टफुली करा सकते हो। तो भाई मेरी तरफ से तो ये ओके है, गाड़ी बहुत परफेक्ट है और आपको अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस देती है, कैसे भी रोड्स कंडीशन में चली जाएगी, पावर अच्छी है, 3 सिलेंडर इंजन है वो एक अलग बात है, लेकिन जब से BS6 फेस 2 आया तो रिफाइनमेंट लेवल एक अलग लेवल का हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं इसके साथ अब इस वीडियो को एंड करूँगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।